देवी लक्ष्मी का योगदान भी अतुल्य है। आज उन्हीं के कारण सृष्टि का अस्तित्व बचा और विश्व से नष्ट हो रहे सागर को नया अस्तित्व मिला क्षीर सागर के रूप में। मैं अपने भाई की अंतिम सांस की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिस नारायण ने मुझसे मेरा भाई छीना है, मैं उससे उसकी सृष्टि छीन लूंगा। सुख समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है ना लक्ष्मी नारायण। अब मैं सुख का अंत विलाप से, समृद्धि का विनाश से और संतुलन का अंत प्रलय से करूंगा। मेरे मन के अंदर जो प्रलय है वो अब धरती पर आएगी। नारायण की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये क्या हो रहा है नारायण? संतुलन बिगड़ रहा है। निश्चित ही कहीं अनिष्ट घट रहा है। नारायण, जो सृष्टि आपका स्वप्न है वो संकट में है। यह सृष्टि केवल स्वप्न नहीं, लक्ष्मी नारायण के मिलन का आधार भी है। मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारायण, इस संकट से बचाए हमारी रक्षा करें प्रभु। नारायण, ये हमारा साझा कर्तव्य है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं देवी, इस समय केवल मेरे उद्देश्य ने मुझे पुकारा है, शीघ्र ही आपका कर्म भी आपको पुकारेगा। सेवक को आज्ञा दीजिए प्रभु नारायण, सृष्टि की सुरक्षा नियमित, मुझे सेवा और समर्पण की अनुमति दीजिए। अनुमति है शेषनाग, बढ़ो अनंत सागर की ओर। अच्छा हुआ शेष तू भी आ गया, इस धरा के साथ साथ तुझे भी नष्ट कर दूंगा मैं। स्वयं को इस अनंत सागर पर संतुलित करो शेषनाग। ध्यान रहे, नारायण की भक्ति का आधार तुम्हारे साथ है। देखता हूँ भक्त और भगवान की ये जोड़ी हैग्रीव के समक्ष कब तक टिक पाएगी। जब तक मैं तुम्हारी शैया पर विराजमान हूँ तब तक धरती का विनाश तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं सकता। संतुलन बनाए बैठा है ना नारायण, इस विष के साथ ना तो पृथ्वी बचेगी, न शेष नाग और ना ही सृष्टि का नारायण। मेरी शत्रुता हर उस वस्तु से है, हर उस जीव से है जो नारायण की है। मैं इस पृथ्वी का, इसके जीवों का, नारायण का अंत करके एक नई पृथ्वी बनाऊंगा और उस नई पृथ्वी का नारायण मैं बनूंगा। इस अनर्थ को रोकना होगा, परंतु कैसे? देवी, प्रणाम आदिशक्ति, पधारने के लिए धन्यवाद, मुझे आप ही के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। नर को नारायण के मार्ग पर लाने वाली लक्ष्मी को भला किसी के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता, और मुझे विश्वास है आपदा की इस घड़ी में आप कोई ना कोई अवसर अवश्य ढूंढ लेंगी। नारायण ने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आपको अपना कर्म करना है। बस इतना स्मरण रखिएगा कि आपका कर्म क्या है। इस समय केवल मेरे उद्देश्य ने मुझे पुकारा है, शीघ्र ही आपका कर्म भी आपको पुकारेगा। नारायण ने कहा था जब कर्म पुकारेगा तो मुझे जाना होगा। माता, माता कामधेनु। नंदिनी, सृष्टि संकट में है, हायागरीब ने अनंत सागर में भयानक विष फैला दिया है। देवी, क्या आप मुझे कामधेनु के दूध का पात्र दे सकती हैं? मुझे विश्वास है कि जीवन देने वाला ये अमृत ही उस विष का तोड़ है। ये लीजिए देवी, हायागरीब के विष का तोड़ है ये शील। आप समृद्धि हैं, आपके स्पर्श से ये कई गुना बढ़ जाएगा। जाइए, इसे अनंत सागर में मिला दीजिए और बचा लीजिए धरती को। हयाग्रीव की सेना मुझे सागर तट तक नहीं पहुंचने देगी, अनंत सागर तक पहुंचने की कोई युक्ति निकालनी होगी। जिस संसार के कण कण में नारायण बसते हैं उसकी रक्षा का मार्ग अवश्य खोज लेंगी।
कण कण में बसने वाले नारायण हैं आप, तो इस पाषाण को भी वो शालिग्राम बना दे जो आप ही का प्रतीक है। भले ही ये शालिग्राम नारायण का प्रतीक मात्र है, परंतु यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, मेरे हृदय में नारायण के लिए अपार प्रेम है, तो ये शीतल और पवित्र शीर मेरे नारायण तक पहुंच जाए और मिटा दे उस विषैले सागर का कड़वापन और बना दे उसे मीठा अक्षर ओम नमो नारायण। मेरे कालकूट को कौन काट रहा है? हयाग्रीव के रहते नारायण को प्राणों की भेंट नहीं मिल सकती। ओम नमो नारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ओम नमो नारायण। आपका कार्य सफल हुआ देवी। आपके प्रेम और विश्वास ने विष से उबलते अनंत सागर को शांत क्षीर सागर में बदल दिया। ये सीख संसार को है कि तनाव और संकट के सागर में डूबे होने पर भी प्रेम और स्नेह का छोटा सा अंश विश्वास और प्रयास से हर संकट को दूर कर सकते हैं। आपने अपने प्रयास से उन्हें और उनकी सृष्टि को बचाया। प्रेम की कसौटी पर आई इन चुनौतियों पर आप दोनों खरे उतरे। अब तो ये मिलन आप दोनों को प्रेम की अनुभूति देगा। कर्तव्य और प्रेम कायर आप दोनों के साथ से संपूर्ण हुआ। इस घोर संकट से सृष्टि को बचाने के लिए आपका बहुत आभार है नारायण। और जब जब संसार में कोई नर संकट में पड़ेगा तो उसकी रक्षा श्री नारायण करेंगे। पालनहार ने तो पूरी सृष्टि को बचा लिया। भूल कर रहे हैं देवर्षि, सृष्टि के पालनहार होने का कर्तव्य मैंने अवश्य निभाया, परंतु सृष्टि के सुख और समृद्धि की आधार देवी लक्ष्मी का योगदान भी अतुल्य है। आज उन्हीं के कारण सृष्टि का अस्तित्व बचा और विष से नष्ट हो रहे सागर को नया अस्तित्व मिला क्षीर सागर के रूप में। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण, सुख सामर्थ्य संतुलन। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।